हेलो स्टूडेंट्स आई दीपिका सोलंकी गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ पोयम दैट इज ऑन यर पेज नंबर ट्वेंटी फाइव सो लेट अस स्टार्ट द पोएम्स नेम इज़ फ्रेंड्स वी ऑफ़न फील अफ्रेड व्हेन वी आर अलोन हम अक्सर क्या करते हैं डरते हैं जब हम अकेले होते हैं हाउ एवर नेचर इज ऑलवेज देयर टू गिव अस पर वहीं हमारे साथ हमेशा नेचर होता है प्रकृति होती है प्रकृति मतलब क्या हमारे आइट साइड जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो मैन मेड नहीं है गॉड के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो सारी नेचुरल होती हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होती है और हमेशा गिवस कंपनी मतलब हमारे साथ होती है हमें कंपनी देती है हमें अकेला नहीं छोड़ती हम कहीं भी चले जाएँ हमारे साथ पेड़ पौधे हवा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमेशा हमारे आसपास होती है मेक अस फील सेफ और हमें क्या फ़ील कराती है कि हम अकेले नहीं हैं हम कैसे हैं सेफ हैं नेचर हमारे साथ है इट इज़ द फ्रेंड ह्यूमन बींग्स हैव ये कौन है ये फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है ह्यूमन बींग्स के रीड दिस पोएम अबाउट हाउ नेचर ट्रीट अस लाइक्स फ्रेंड हम इस पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि नेचर हमारे फ्रेंड के रूप में हमारे साथ हमेशा कैसे रहता है कैसे हमें ट्रीट करता है एक फ्रेंड की तरह सो लेट अस स्टार्ट द पोयम फ्रेंड्स हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वाइल्ड एंड लुक अप थ्रू द ट्री द स्काई इज़ लाइक अ काइंड बिग स्माइल बैंड स्वीटली ओवर मी कितना अच्छा हो कि हम थोड़ा सा झुक कर देखें हाउ गुड टू लाए अ लिटिल वाइल एक थोड़ा सा लाए हो थोड़ा सा झुके लाई मीन्स क्या होता है लाई मीन्स होता है लेटे रहना या थोड़ा सा बेंट हो जाना एंड लुक अप थ्रू द ट्री और किसकी ओर देखें ट्री की ओर देखें ट्री के थ्रू देखें मतलब ट्री की नज़रों से देखें द इज़ लाइक अ काइंड बिग स्माइल यदि आप ट्री की नज़रों से देखोगे तो स्काई किसकी तरह दिखाई देगा एक बड़ी सी स्माइल की तरह बड़ी ही काइंड स्माइल की तरह दिखाई देगा ऐसा लगेगा स्काई क्या कर रहा है एक बड़ी सी स्माइल दे रहा है जब आप ट्री के थ्रू उस स्काई को देखोगे तो बेंड स्वीटली ओवर मी थोड़ा सा क्या हम हमें करना है स्वीटली बेंड करना है थोड़ा सा झुकना है पेड़ों के थ्रू देखोगे आप तो उस पेड़ों के थ्रू आपको वो आसमान कैसा दिखाई देगा जैसे कि वो एक बड़ी सी स्माइल हो द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबाव माई हैड द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबाव माई हैड ऐसा लगता है कि सनशाइन जो होती है ना सूर्य की किरणें वो किसके थ्रू जागती हैं लीव्स के थ्रू अबाव माई हैड यदि आप पेड़ के नीचे खड़े हो तो आप देखोगे कि पेड़ के बीच में पत्तियों के बीच में से सनशाइंस जो आती है नीचे तक जब वो आपके सिर पर आती है तो फ्लिकर करती है आपके सिर के ऊपर है ना एंड किसेज मी अपॉन द फेस और कहाँ आकर गिरती है आपके फेस के ऊपर मतलब वो बता रहा है वो बच्चा कि मेरा नेचर से फ्रेंड जैसा रिश्ता है और जब मैं झुककर ट्री के थ्रू देखता हूँ तो एक बड़ी सी स्माइल देता हुआ स्काई मुझे दिखाई देता है और लगता है वो बेंट किया हुआ है स्वीटली ओवर में बड़े प्यार से मेरे तरफ बेंट किया हुआ है झुका हुआ है ऐसे ही सनशाइन भी क्या करती है जब पत्तियों के थ्रू मुझे दिखाई देती है मुझ तक पहुँचती है लीव्स के थ्रू मेरे हेड तक पहुँचती है और मेरे फेस पर डायरेक्टली आकर क्या करती है किस करती है लाइक मदर बिफोर बेड किसकी तरह जैसे कोई मदर हो मदर करती है ना बेड पर जाने से पहले बिस्तर पर जाने से पहले क्या करती है मदर बच्चों के सिर पर किस करती है फेस पर किस करती है बच्चा जब सोने जा रहा होता है तो तो बिल्कुल वैसे ही वो सनशाइन क्या करती है किस करती है उस बच्चे के हेड पर द बिंग कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास देखिए जो ओ आर -E लिखा है ये है ओवर द wind कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रिटी थिंग्स एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास आई फील हिज केयरफुल विंग्स अब वो क्या बोल रही हैं कि वो जो बच्चा है वो बोल रहा है wind कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास हवा क्या करती है ग्रास के ऊपर से कुछ स्टील करने चुराने के उद्देश्य से आती है और क्या कहने आती है टू विस्पर प्रीटी थिंग्स और हमसे विस्पर करती है विस्पर करना यानी कानों में धीरे से कुछ कहना कैसी बातें कहती है वो प्रीटी थिंग्स कहती है बड़ी प्यारी सी बातें कहती है कौन हवा और एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास और मैं क्या कर सकता हूँ मैं उसे पास होते हुए नहीं देख सकता मतलब उसको यहाँ से वहाँ गुजरते हुए हवा को नहीं देख सकते हैं बट आई फील हिज केयरफुल विंग्स पर मैं उसके केयरफुल मतलब वो जो मेरी इतनी केयर करती है हवा मैं उसे फ़ील कर सकता हूँ उसकी केयर को क्या कर सकता हूँ फ़ील कर सकता हूँ देखो उसने तीन अलग अलग चीज़ें बताई है एक तो ट्री कि ट्री उसका कितना अच्छा फ्रेंड है और स्काई कितना अच्छा फ्रेंड है कि जब मैं ट्री के थ्रू स्काई को देखता हूँ तो लगता है स्काई मेरे साथ क्या कर रहा है बड़ी सी स्माइल दे रहा है सनशाइन को देखता हूँ तो क्या लगता है कि वो मेरे फेस पर आकर मुझे किस कर रही है जैसी मेरी मदर करती हैं विंड क्या करती है विंड हमेशा धीरे धीरे आती है मैं उसे देख नहीं सकता पर वो हमेशा अपने विंग्स मतलब अपने पंखों से मुझे केयर करती है ऐसा लगता है वो हमेशा मेरी केयर करती है ठीक है मतलब उस नेचर के बारे में बता रहा है कि नेचर हमारा कितना अच्छा फ्रेंड होता है सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर इसलिए वो क्या कह रहा है मेरे साथ बहुत सारे जेंटल प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं है ना बड़े सज्जन से फ्रेंड्स हैं मेरे whom one can scarcely scarcely see, a child should never feel a fear where he may be। अब वो बता रहे हैं कि हमें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है हमें कहीं भी डर के देखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बच्चा यदि अकेला है तो वो अकेला नहीं होता है उसे अकेला फील नहीं करना चाहिए डरना नहीं चाहिए नेवर कभी नहीं डरना चाहिए वो जहाँ कहीं भी हो वेयर एवर ही मे बी उसके साथ हमेशा ये तीन फ्रेंड होते हैं कौन कौन से होते हैं एक तो होते हैं ट्रीज़ कौन होते हैं एक ट्रीज़ होते हैं दूसरा स्काई होता है तीसरा सनशाइन मतलब सूर्य होता है और चौथा विंड हवा होती है जो वो दुनिया में कहीं भी चले जाए चाहे अकेला हो पर कैसा होता है वो हमेशा इन चार फ्रेंड से घिरा होता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए ठीक है हम ये अबाउट द पोएट भी पढ़ लेते हैं कि ए बी फेयरवेल ब्राउन ये पोएट का नाम है जिन्होंने ये पोएम लिखी है इतनी प्यारी एक अमेरिकन ऑथर है और पोएट हैं वो शी लिव्ड फ्रॉम 1871 टू 1927 उनका बर्थ जो है 1871 में हुआ और उनकी डेथ 1927 में हुई शी रोट मेनी ऑफ हर स्टोरीज़ उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज लिखी पोएम्स लिखी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन वो क्या लिखती थी स्पेशली चिल्ड्रन के लिए लिखती थी इंक्लूडिंग द वन यू हैव जस्ट रीड और ये जो आपने अभी अभी पढ़ी ना ये उनकी पोइम में से एक पोएम है ठीक है अब हम क्या करेंगे पोएट्री अप्रिसिएशन पार्ट पढ़ेंगे मतलब जो पोयम हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे हु आर द फ्रेंड्स इन दिस पोयम फ्रेंड्स कौन कौन है इस पोएम में तो आपके पास जो आंसर की दी है आप उसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको टाइम दे रही हूँ आप उस आंसर की को ओपन करें इसे पॉज करें वीडियो को अब जब आपने आंसर की ओपन कर ली है तो देखिए क्या है हमारा आंसर हु आर द फ्रेंड्स इन दिस पोएम उस आंसर की को देखने से पहले आप सोचें कि कौन कौन फ्रेंड्स हैं पोयम में तो पोएम में जो फ्रेंड्स हैं वो हैं द स्काई द सनशाइन द विन आर द फ्रेंड्स स्काई है सनशाइन है विंड है ये कौन है हमारे फ्रेंड्स हैं लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर लुक एट दिस लाइंस फ्रॉम द पोयम आर क्वेश्चन नंबर टू इज लुक एट दिस लाइंस फ्रॉम द पोयम ये पोएम्स की आपको थ्री लाइंस दी है और आपको क्या करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देना है वॉट आर द लाइन्स द सनशाइन किस अपॉन द फेस किस मी अपॉन द फेस like mother before bed the poet says that sunshine is like mother kissing you on the face before bed why do you think the poet compares the sunshine to mother do you like the comparison poet ne kaha ki sunshine do, jo hai meri mother ki tarah hai बिस्तर पर जाने से पहले जैसी मेरी mother मुझे kiss करती है मेरे face पर ऐसे ही वो sunshine आकर मेरे face पर kiss करती है तो आपको बताना है कि क्या इसने जो कंपेयर किया है सनशाइन से मदर को मतलब अपनी जो मदर हैं उनको किससे कंपेयर किया सनशाइन से तो क्या तुम्हें ये कंपैरिजन पसंद आया है ये जो इन्होंने कंपेयर किया है ये करेक्ट है ये आपको आंसर देना है तो ऑफ कोर्स करेक्ट है क्योंकि मदर भी बहुत लविंग होती है केयरिंग होती है ऐसे ही सनशाइन भी कैसी है लविंग और केयरिंग है अंडरस्टूड द पोएट कम्पेयर्स द सनशाइन टू मदर बिकॉज द सन टच इज़ द चाइल्ड फेस एज जेंटली एज अ मदर वो मदर से कंपेयर इसलिए करता है सनशाइन को कि मदर जितनी जेंटल वे में जितनी प्यार से क्या करती हैं किस करती है उसके फेस को टच करती हैं उतने ही प्यार से सनशाइन भी उसके फेस को क्या करती है उतने ही जेंटल वे में टच करती है इसलिए उसका जो कंपैरिजन है बिल्कुल करेक्ट है आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट सेज दैट अ चाइल्ड शुड नेवर बी अफ्रेड पोइट कहता है कि एक बच्चे को कभी भी डरना नहीं चाहिए वाई डज शी थिंक सो पोइट ऐसा क्यों कहती है क्यों ऐसा सोचती है कि बच्चे को कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमेशा वो इन फ्रेंड से घिरा हुआ होता है वो अकेला कभी नहीं होता इसलिए उसे डरना कभी नहीं चाहिए आर आंसर इज अ चाइल्ड शुड नेवर बी अफ्रेड बिकॉज देर इज़ ऑलवेज सम वन टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन मतलब हमेशा आसपास उस बच्चे की केयर करने के लिए कोई ना कोई तो होता है या तो हवा होती है सनशाइन होती है और क्या होती है सनशाइन विंड और स्काई स्काय और विंड तो कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ती सनशाइन तो चलो रात में नहीं होती है पर स्काई आसमान तो हमेशा उसके साथ होता है विंड तो हमेशा उसके साथ होती है मतलब उसे कहीं भी वो अकेला नहीं छोड़ती है अंडरस्टूड next नेक्स्ट क्वेश्चन इज no our नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ एनी मोर जेंटल फ्रेंड्स ऑफ द टाइप described इन द पोयम जैसा कि पोयम में इतने जेंटल फ्रेंड्स बताए गए हैं कि आपके आसपास और कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो हमारे पास और जो नेचुरल फ्रेंड्स हैं जो हमेशा हमारे साथ हो सकते हैं या कभी कभी हो सकते हैं जो नेचुरल है वो हैं रेन ठीक है और क्या हो सकते हैं जेंटल फ्रेंड ट्रीज और क्या हो सकते हैं जेंटल फ्रेंड मतलब जितने भी नेचुरल फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ हमेशा होते हैं जिन जो हमेशा हमारी केयर करते हैं देने का काम करते हैं कुछ भी लेते नहीं हैं हमसे सो अनादर जेंटल फ्रेंड कैन बी रेन ट्री आप और भी कुछ राइट right कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट सीज़ नेचर एज गुड एज एनी एज गुड एंड काइंड आपको क्या बताना है इसमें द पोएट सीज नेचर मतलब पोएट क्या कर रहा है नेचर को देखता है कैसे देख रहा है गुड एंड काइंड वे में देख रहा है लाइक अ लविंग पेरेंट लविंग पेरेंट की तरह देख रहा है इज दिस हाउ यू थिंक ऑफ नेचर क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हो नेचर के बारे में तो ये आपका फ्री रिस्पॉन्स लिखा है फ्री रिस्पॉन्स लिखा है मतलब क्या है ये आपको खुद को देखना है कि यदि आप सोचते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है देन इट इज़ करेक्ट नहीं सोच कोई बात नहीं तो आपका जो भी आंसर है आप अपने मन से दे सकते हो फ्री रिस्पांस का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग इसे राइट कर सकते हो कि हाँ भाई द पोएट्स इज नेचर इज़ गुड एंड काइंड इट इज नेचर इज गुड एंड काइंड लाइक अ लविंग पेरेंट एंड इट केयर्स अस सो मच ऐसा आप जो भी चाहें उसमें राइट कर सकते हैं ओके okay, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे जो है सिमिली पता है सिमिली क्या होता है सिमिली मतलब लाइक और एज वर्ड को यूज़ किया जाने वाला मतलब एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं लाइक और एज को वहाँ पर इसका मीनिंग जैसा होता है क्या होता है जैसा अब इसे क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूँ हमेशा सिमिली को पोयम में यूज़ किया जाता है पोयम क्या होती है जो छोटी छोटी पोएम्स होती हैं स्टेंजा वाइज जो पोएम्स होती हैं मतलब स्टोरी नहीं पोएम्स जहाँ पर पोयम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अलग से कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे पोयम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है अब यदि आप बोलो कि ही कैन स्विम वो तैर सकता है तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है बट यदि आपने बोला ही स्विम्स लाइक अ फ़िश वो किसकी तरह तैर सकता है एक फ़िश की तरह मतलब समझ में आया कि फ़िश तो हमेशा पानी में होती है वो परफेक्ट एक स्विमर होती है मतलब ही स्विम्स लाइक अ फ़िश यानी वो परफेक्शन के साथ तैरता है मीन्स टू से कि हम फिगर ऑफ़ स्पीच में वो चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारी पोएम जो है पोएम की लैंग्वेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो सिमिली भी एक फ़िगर ऑफ़ स्पीच है ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं सिमिली तो सिमिली मतलब क्या जहाँ पर लाइक और एज वर्ड को यूज़ किया गया हो कंपेयर करने के लिए वो होता है सिमिली अ सिमिली इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज दे आर ऑफन यूज इन पोएट्री टू डिस्क्राइब अ थिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स किसी और चीज़ से कंपेयर किया जाता है पर जैसे ही स्विम्स उसको तैरने से कंपेयर किया पर फिश से कंपेयर किया मतलब उस पर्सन का फिश से तो कोई लेना देना ही नहीं है पर फिर भी उसको क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है मतलब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना पर क्या होता है उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है वी नो दैट अ फिश स्विम्स विथ ईज इफ़ वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्विम्स रियली वेल वी ऑफन कम्पेयर दैम विद अ फिश टू एक्सप्लेन हाउ गुड अ स्विमर दैट पर्सन इज़ हमें बताने के लिए कि वो पर्सन कितना अच्छा स्विमर है इसलिए हम उसको फिश से कम्पेयर करते हैं ठीक है ऐसे ही बहुत सारी चीज है कि हमको बताना है कि बहुत तेज है वो तो चीते की तरह तेज है मतलब किसकी तरह चीते की तरह तेज़ दौड़ सकता है ही कैन रन लाइक अ टाइगर एज अ टाइगर अंडर स्टूड ऐसे हम और भी सिमिली का लाइक और एज लगा कर यूज कर सकते हैं हमारा बी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पिक आउट द सिमिलीज यूज इन द पोएम एंड यूज़ दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन आपको पोएम में से सिमिलीज निकालना है जहाँ पर लाइक और एज आया है जिसका मीनिंग हो जैसा या जिसका मीनिंग हो कंपेयर किया गया हो कहीं तो वहाँ पर से आपको उन सिमिलीज को लेना है और सेंटेंस बनाना है खुद के तो चलिए हम देखते हैं पोयम में कहाँ कहाँ सिमिली यूज़ किए गए हैं ठीक है जस्ट वेट सो Here is the simile the sky is like a kind big smile ye ये एक ho हो गया हमारा ठीक है और क्या है एक जहाँ पर like use किया गया है just read it. आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और कौन सा सेंटेंस है जिसमें लाइक like का यूज़ किया गया है वेरी गुड आपने बिल्कुल सही समझा लाइक मदर बिफोर बेड कैसे सनशाइन किस करती है जैसे मदर हो बेड पर जाने से पहले किस करती हैं वैसे ही सनशाइन भी हमें किस करती है अंडरस्टूड तो ये दो एग्जाम्पल से मिली ही के हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट है पिक आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हमें क्या करना है एक जैसे राइमिंग वर्ड्स को पोयम में से निकालना है एंड राइट दैम डाउन और उनको लिखना है राइमिंग क्या जिसका प्रोनंसिएशन सेम हो ठीक है तो हमें इसके लिए वापस पोएम पे जाना पड़ेगा राइमिंग देखो क्या है राइमिंग वाइल स्माइल वाइल स्माइल फिर क्या है ट्री मी ट्री मी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट राइमिंग वर्ड क्या दिखाई दे रहा है हमें लेस फेस हेड बेड ठीक है एक जैसे राइमिंग जिसका प्रोनाशिएशन एक सा निकल रहा हो ग्रास पास थिंग्स विंग्स नियर फियर सी बी अंडरस्टूड ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स को आपको एक लाइन में लिखते जाना है या एक के बाद एक लिखते जाना है जैसा भी आपके लिए कंफर्टेबल हो अंडरस्टूड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स इन योर डिक्शनरी हमें क्या करना है डिक्शनरी में से ये वर्ड्स को सर्च करना है आप अपने की आंसर की में से इसे बिल्कुल नहीं देखेंगे आप लोग इसे डिक्शनरी में सर्च जरूर करेंगे इस बात का आप ध्यान रखें ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि सबके पास डिक्शनरी है डिक्शनरी नहीं है तो मोबाइल है तो मोबाइल में हम सर्च कर सकते हैं पर यह आपको खुद को करना है और डिक्शनरी तो हमें कभी रॉन्ग बताएगी नहीं मतलब आपको आंसर को मैच करने की जरूरत नहीं है आप सीधे डिक्शनरी में सर्च करें और इसे राइट करें ठीक है आप सभी को ये सारी पोएम के क्वेश्चन आंसर राइट करना है बट इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एक्टिविटी है हमारे पास इन दिस पोएम द पोएट रिप्रेजेंट्स नेचर इज अ फ्रेंड वी हैव अ लॉट टू थैंक नेचर फॉर डू यू हैव अ फ्रेंड यू आर थैंकफुल टू मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर फ्रेंड एंड से वॉट यू आर थैंकफुल फॉर देखो जैसे कि इस पोएम में बताया कि नेचर हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए बहुत सारा थैंक यू करना चाहिए हमें नेचर को क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होता है हमें कुछ ना कुछ देता रहता है कभी हमसे कुछ लेता नहीं है ऐसे ही तुम्हारा भी कोई फ्रेंड होगा जो हमेशा तुम्हारी हेल्प करता होगा तुम उसकी हेल्प करते होगे तो तुम्हें एक थैंक यू कार्ड बनाओ उसके लिए और उस फ्रेंड को थैंक यू क्यों कहना चाहते हो वो सारी चीज़ें उसमें लिखो अब ये फ्रेंड आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं यही फ्रेंड आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं जिसे भी आप फ्रेंड मानते हो जिसे भी जिस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहते हो आप उनके लिए एक थैंक यू कार्ड ज़रूर बनाएं ओके One more thing, one more time, write in a beautiful handwriting. Thank you so much.